हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वंशु की डिमांड हो रही है कि मम्मा सैंडविच बना दीजिए, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है, उसको खाना है सैंडविच। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो कैसे मैं ये सैंडविच बनाऊंगी, ऐसे ही छोटी मोटी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने स्टाइल में। मैं कैसे सैंडविच बनाऊंगी, जो मुझे आता है मैं आपके साथ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक मैं शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो आपके पास आ जाएगा अगर आप बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस करेंगे तो। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है फुल वॉच करना और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या लिया है, तो ये देखिए, ये मैंने दो आलू लिए हैं, बॉइल कर लिए हैं अच्छी तरह, और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ में शिमला मिर्च है, और ये पत्ता गोभी है, और ये है टमाटर। तो अच्छे से धोकर इनको भी मैंने बारीक करके इनको काट लिया है, और साथ में है ब्रेड। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरी वीडियो को, और शेयर भी कर दे। तो ये देखिए, बंसु जो है बहुत देर से बोल रहा था जल्दी बनाओ, अब बड़े मजे से खा रहा है। ऐसे सब्जी नहीं खाता बंशु, नखरी करता है कि ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना, और इस तरीके से सब्जियाँ डाल दूँ तो बड़े मजे से खाता है। तो आप भी अपने घर में बच्चों को अगर सब्जी पसंद नहीं हो तो इस तरीके से सैंडविच वगैरह बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर ये तो बहुत ईजी है, तवे के ऊपर भी बन सकते हैं ये। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ या किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर।